दो सुहागन और तीन विधवा बहनों का एक ससुराल। सुमन, पूजा और रेखा तीनों अपनी माँ और अपनी दोनों बहनों से मिलने अपने ससुराल से अपने मायके में आती हैं। अरे माँ, आप कितनी कमजोर हो गई हो, थोड़ा बहुत ध्यान अपने आप पर भी दो। अगर ऐसे कमजोर होती रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। हाँ माँ, जरा देखो तो सही, पहले आप कितनी सुंदर और हेल्दी थी, लेकिन अब देखो शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है आपका। मुझे लगता है कि हमारी दोनों छोटी बहन रिया और रीटा दोनों तुम्हारा सही से ख्याल नहीं रखती। अरे दीदी, हम तो अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों माँ को हमारी चिंता सताई जा रही है। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, माँ को ये चिंता सताई जा रही है कि हम दोनों की शादी कैसे घर में होगी, आपकी तरह हम खुश होंगी या नहीं। हाँ मेरी प्यारी बेटियों, मैं चाहती हूँ कि तुम पांचों हमेशा खुश रहो, जैसे सुमन, रेखा और पूजा। तुम तीनों अपने ससुराल में खुश हो, वैसे ही रिया और रीटा भी अपने ससुराल में खुश रहने चाहिए। अरे माँ, आप इतनी सी बात पर इतनी परेशान हो रही हो, आपको पता है मैंने तो अपनी दोनों बहनों को अपने घर पर ही बुलाने का बंदोबस्त कर लिया है। अरे बेटी, तुम क्या कहना चाहती हो, मैं कुछ समझी नहीं। अरे माँ, क्या आपको नहीं पता कि हमारे दो देवर भी हैं जो विदेश में पढ़ते हैं, और आपको पता है कुछ ही दिनों में वह विदेश से अपनी पूरी पढ़ाई करके वापस यहाँ लौटने वाले हैं। अरे मैंने तो ये भी सुना है कि वो लौटने के बाद यहाँ आकर अपना काम शुरू कर देंगे, उसके बाद वो भी अच्छा खासा कमाया करेंगे। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तुम अपनी दोनों बहनों के रिश्ते की बात कब करने वाली हो अपनी सास से? अरे माँ, आप चिंता मत करो, बहुत जल्द हम अपनी सास से अपनी दोनों बहनों के रिश्ते की बात कर लेंगे, उसके बाद आपकी पांचों बेटियां एक ससुराल में खुशी खुशी रहेंगी। ये सब सुनने के बाद सुमित्रा बहुत खुश हो जाती है। देखते ही देखते एक दो दिन बीत जाते हैं और अब सुमित्रा की तीनों शादीशुदा बेटियां अपने ससुराल लौट आती हैं। ससुराल में आने के बाद वो अपनी सास से अपनी दोनों छोटी बहनों के रिश्ते की बात उनके छोटे बेटे से करती हैं, जिसके चलते उन तीनों की सास भी बहुत खुश होती है। अरे तुम तीनों इतनी समझदार और संस्कारी हो, तो तुम दोनों की बहनें भी तुम्हारी तरह ही होंगी, इसलिए हमें तुम्हारी दोनों बहनों से अपने बेटों की शादी करवाने में कोई आपत्ति नहीं, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझो। सुमन, पूजा और रेखा तीनों ही बहुत खुश होती हैं। देखते ही देखते उन तीनों की छोटी बहनों की शादी उनके दोनों देवरों के आते ही हो जाती है, जिसके बाद पांचों बहनें एक साथ एक ही घर की छत के नीचे खुशी खुशी रहने लगती हैं। लेकिन भगवान को उनकी ये खुशी ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके चलते एक दिन एक बहुत बड़े एक्सीडेंट में सुमन, पूजा और रेखा के तीनों पतियों की मृत्यु हो जाती है और वो तीनों विधवा हो जाती हैं। हे भगवान, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारी हस्ती खेलती जिंदगी को तूने उजाड़ दिया, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था। पता नहीं किसकी काली नजर लग गई हमारी खुशियों को, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ इतना बुरा हुआ। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, मैं मरना चाहती हूँ। सुमन की ऐसी बातें सुनकर उनकी सास कावेरी उनसे कहती है, बस करो तुम तीनों, चुप हो जाओ, तुमसे ज्यादा मुझे अपने बेटों को खोने का दुख है, लेकिन मैंने फिर भी हौसला रखा है, तुम भी हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी सास की बात सुनने के बाद वो तीनों शांत हो जाती हैं, जिसके बाद दुर्गेश अपने बेटे रोहित और रोहन के साथ मिलकर अपने तीनों बेटों का अंतिम संस्कार करवा देता है। लेकिन उस दिन के बाद से उनके घर में काफी कुछ बदल जाता है। अब रेखा, सुमन और पूजा तीनों ही विधवा हो चुकी थी, जिसके चलते कावेरी और दुर्गेश उन दोनों को हर एक चीज से दूर रखते और उनकी दोनों छोटी बहनों का ख्याल ज्यादा रखते, जिसके चलते रिया और रीटा भी अपनी बहनों के साथ बहुत ज्यादती करने लगती है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अरे पूजा दीदी और सुमन दीदी, तुम दोनों ही घर के सारे काम कर लो, मैं तो अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। हाँ मुझे याद आया, आज तो मुझे भी बाहर किसी काम से जाना था, मैं भी जा रही हूँ। रेखा दीदी, तुम मेरे हिस्से का काम भी कर लेना। वो दोनों बहाना बनाने के बाद वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी सुमन, रेखा और पूजा तीनों ही घर के काम करने लग जाती है। देखते ही देखते अब रिया और रीटा घर के कोई भी काम को हाथ नहीं लगाती,
जिसके चलते सुमन, पूजा और रेखा को बहुत बुरा लगता है। एक दिन वो तीनों अपनी सास के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, माँ जी, आजकल रिया और रीटा का घर में किसी भी काम में मन नहीं लगता। वो दोनों घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती, अपने भी काम वो हमसे करवाती हैं। हाँ माँ जी, आप उन्हें समझाओ कि हम पांचों बहू एक समान हैं इस घर के अंदर, इसलिए उन्हें हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अरे तो इसमें हर्ज ही क्या है, अगर तुम घर के काम कर लोगी तो क्या चला जाएगा। वैसे भी वो दोनों तुम्हारी छोटी बहन है और तुम तीनों ही विधवा हो, कम से कम अपनी छोटी बहनों को तो जीने दो। कावेरी उन तीनों से ऐसा कहकर चली जाती है, जिसके चलते अब सुमन, रेखा और पूजा तीनों को ही विधवा होने के बाद घर में कोई नहीं पूछता है, उनकी बहुत बेकदरी होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रिया और रीटा बहुत ज्यादा अय्याश होने लगती हैं। अरे रिया, जल्दी से तैयार हो जा, आज की पार्टी में तो हमें धमाल मचाना है। देखो मेरी सेक्सी ड्रेस कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी लग रही है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। वो दोनों घर से निकल रही होती हैं कि तभी सुमन, रेखा और पूजा उन दोनों को देख लेती हैं। तुम दोनों ने ये क्या वाहियात कपड़े पहने हैं, तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने में जरा भी शर्म नहीं आई? अभी के अभी जाओ और इन कपड़ों को उतार कर कुछ और पहन लो। तुम तीनों होती कौन हो हमें हमारे कपड़ों के ऊपर बोलने वाली? हमारा जो दिल करेगा हम वही पहनेंगे, लेकिन तुम्हें क्यों जलन हो रही है? कहीं ये बात तो नहीं कि हम दोनों सुहागन हैं और तुम तीनों विधवा हो इसलिए? तुम दोनों ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ओहो, इसमें सोचने की क्या बात है, ये तो साफ जाहिर होता है। वैसे हम पास वाले डिस्को जा रहे हैं, अगर हमारी खुशियां तुमसे बर्दाश्त नहीं होती तो यहाँ से चली जाओ। रीटा और रिया दोनों ही डिस्को में पार्टी करने चली जाती हैं। अपनी दोनों बहनों के मुंह से ये सब सुनकर उन तीनों को बहुत बुरा महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ डिस्को में रीटा और रिया बहुत इंजॉय कर रहे थे, लेकिन उनके छोटे कपड़ों की वजह से कुछ लड़के उन्हें छेड़ने लगते हैं। हमसे दूर हो जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, ऐसी बात है, अभी बताता हूँ तुम्हें। अरे कुछ भी हो जाए, इन दोनों को छोड़ना नहीं है। वो दोनों रिया और रीटा को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और वहां से ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी रोहन और रोहित आ जाते हैं और वो प्रदीप और कुणाल की जमकर पिटाई करते हैं, जिसके बाद वो दोनों रिया और रीटा को बचाकर घर ले आते हैं। आज अगर मेरी तीनों भाभियों ने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया होता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। जो तुम्हें इस घर में लेकर आई, तुमने उन तीनों का ही अपमान किया। अरे तुम्हें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें माफ कर दो दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें अपनी गलती का एहसास है, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था आप तीनों से। वो ऐसा कहती ही है कि तभी कावेरी भी कहती है, पूजा, सुमन, रेखा, जब से मेरे बेटे उस हादसे में गए हैं तब से उस हादसे का जिम्मेदार मैंने तुम ही माना था, लेकिन मेरी भूल थी, तुम तो हमेशा से इस घर का अच्छा ही सोचती रही। मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। माँ जी, आप सभी हमारा परिवार हो, आप सभी को हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। जो हुआ उसे भूल जाओ, हमें नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। उस दिन के बाद से वो सभी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। श्याम नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, जिसके घर में खाने पीने की और जरूरत की हर चीज की कमी थी। बड़ी मुश्किल से उसकी पत्नी पारुल उसके घर का खर्चा चला रही थी। बेटी के स्कूल का खर्च, बूढ़े पिता की दवाई और पौष्टिक आहार का खर्च, साथ ही घर के राशन की चिंता, सब श्याम के कंधे पर थी। तभी बेटी अंशिका स्कूल से आकर कहती है, मम्मी पापा, मुझे स्कूल में रंगोली बनानी है, जरा रंगों के लिए मुझे पैसे दे दीजिए, और मेरे जूते भी फट गए हैं, देखो ना माँ, इसमें तो अंगूठा दिख रहा है, मुझे नया जूता दिला दीजिए। बेटा थोड़े से समय और सबर कर ले, मैं तुझे जूते दिलाऊंगी। तुझे रंगोली बनानी जरूरी है क्या? हो सके तो इसमें भाग मत ले। माँ मुझे रंगोली बनानी बहुत पसंद है और अच्छे से बनानी आती है, आप देखना मैं प्रतियोगिता में फर्स्ट आऊंगी, मुझे बस कलर दिला दीजिए, प्लीज माँ पापा आप कुछ कहो ना। अरे हाँ पारुल, जाने दो ना अंशिका बिटिया को, कितने के आ जाएंगे कलर, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, इतना परेशान मत हो अंशिका बेटा। कब है तेरा कॉम्पिटिशन? पिताजी अगले हफ्ते ही कॉम्पिटिशन है। चिंता मत करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए पैसे ले आऊंगा। तभी छड़ी के सहारे श्याम का पिता मोहन लाल आकर कहता है, बेटा मेरे घुटने में बहुत दर्द होता है, थोड़ी दवाई वगैरह ले आ, आयुर्वेद वाला तेल लिया जिससे मालिश हो जाए, मेरे से तो चला ही नहीं जाता बेटा।
फिकर मत कीजिए पिताजी, मैं थोड़े दिनों में आपके लिए आयुर्वेदिक तेल और दवाई दोनों ले आऊंगा, जिससे सब ठीक हो जाएगा। बस अभी थोड़ी पैसों की तंगी चल रही है, सेठ जी पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं। पारुल, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपकी बात समझ गई। आइए सब खाना खा लीजिए, खाने में बस रोटी और फीकी दाल है। अरे कोई बात नहीं बेटा, दे दे वो भी बहुत है, 4 दिन बाद तो खाली प्याज से रोटी खानी पड़ेगी। ये कहते ही पारो सबको खाना परोस देती है और सब खाना खा लेते हैं। 2-4 दिन ऐसे ही चलता है, वो कम कम सब्जी में ज्यादा रोटी खाकर अपनी भूख मिटाते थे। मजबूरन एक छोटी सी बच्ची को भी ऐसे ही खाना पड़ रहा था। 8 साल की अंशिका फिर से कहती है, मम्मी पापा आपने कहा था मुझे कलर दिलाओगे, तो दिलाया क्यों नहीं? अभी तक मेरी क्लास में सब बच्चे रंगोली के लिए कलर खरीद के लिए आए थे, वो कह रहे थे तू झूठ बोलती है और तू रंगोली नहीं बनाएगी। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, पापा तेरे लिए आज पैसे लेके ही आएंगे, रुक जा, शायद मेरे पास कुछ पैसे हों गुल्लक में, जाकर देखती हूँ। वो बिस्तर के नीचे झुकती है तो देखती है गुल्लक पहले से ही टूटी हुई थी, क्योंकि उसमें से पहले ही पैसे निकाल लिए थे। फिर वो रसोई के डिब्बे में चेक करती है, लेकिन उस डिब्बे में भी पैसे नहीं मिलते। फिर वो थक कर कहती है, माफ कर दे बेटा, मुझे लगा इधर उधर कहीं पैसे होंगे, लेकिन 2-4 दिनों में हर जरूरत चीज के लिए पैसे निकाल लिए, आज तो घर में एक दाना खाने के लिए राशन नहीं है। मगर मैंने रंगोली कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लिया तो सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे और फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ऐसा कहकर अंशिका रोते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर श्याम ट्रक में से बोरी उठाकर गोदाम में रख रहा था। अचानक से एक भारी बोरी उठाते हुए उसका हाथ छूट जाता है, जिससे चावल की बोरी फट जाती है और इतना नुकसान देखकर सेठ कहता है, अरे श्याम यह तूने क्या किया, 50 किलो की बोरी तूने यूं ही फाड़ दी, देख सारे चावल जमीन पर गिर गए हैं, इसका हर्जाना तू भरेगा। ये काम ठीक से नहीं होता, 2 दिन पहले भी तूने यही सब किया था, मुझे ऐसे इंसान की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुझे पिछले काम से निकाल दिया होगा जरूर। सेठ जी मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे काम से मत निकालिए, मेरे घर पर बीवी बच्चे और पिताजी भूखे हैं, घर पर राशन नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब ठीक कर दूंगा, सारे चावल उठा दूंगा। मुझे तेरी अब एक भी नहीं सुननी, और हाँ जो तेरे बचे हुए पैसे थे वो मैंने इस नुकसान में जमा कर लिए, अब बिना फूटी कौड़ी लिए यहाँ से निकल जा। श्याम उनके सामने गिड़गिड़ाता है, पर सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो रोता हुआ श्याम घर वापस लौटकर अपनी पत्नी से कहता है, पारुल सब बर्बाद हो गया, ना मैं एक अच्छा पिता हूँ, ना मैं एक अच्छा पति हूँ, और ना ही बेटा, अरे अपने घर वालों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? हाँ बेटा बता क्या हुआ? अरे मेरे हाथ से चावल की बोरी गिर गई और फट गई, इसलिए सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिया और पैसे भी काट लिए, मुझे माफ कर दीजिए, ना मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता ना अपनी बेटी की। अरे संभाल बेटा, अपने आप को ऐसे हार मत मानो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। ये कहकर मोहन अपने बेटे को दिलासा देता है, तभी दरवाजे पर एक रोता हुआ बच्चा आता है, उसकी आवाज सुनकर सब बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रहे हो, कुछ चाहिए? आंटी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे घर में मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं, लेकिन बच्चे को अपने घर से खाली पेट भी नहीं जाने दे सकती, बेटा तुम आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। पारुल कुछ भी नहीं है, तुम क्या दोगी, फिर इस बच्चे को झूठी आशा मत दो, उसे आप रुकिए तो सही जरा। तभी पारुल घर में बचा हुआ राशन ढूंढती है तो उसे एक मुट्ठी चावल के मिल जाते हैं, जिसमें वो गुड़ मिलाती है और पकाकर उस बच्चे को खिलाती है। अरे वाह आंटी, आपने ये गुड़ की खीर तो बहुत अच्छी बनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, शुक्रिया। अरे इस सूखे सूखे पेड़ पर भी अनार था, तो आपने मुझे दिया क्यों नहीं? ये बच्चा क्या बात कर रहा है, इस अनार के सूखे पेड़ पर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ झाड़ के। बच्चे की बात सुनकर सभी लोग अनार के सूखे पेड़ को देखते हैं, तो श्याम कहता है, बेटा तुम्हें गलतफहमी हुई है,
ये सिर्फ सूखी झाड़ है, इस पर कोई अनार नहीं है। तभी वो बच्चा कूदकर अनार तोड़ता है और उसके हाथ में देता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और वो सूखा झाड़ भी एक हरा भरा अनार का पेड़ बन जाता है और बच्चा गायब हो जाता है। अरे अरे भला ये कैसे हो गया, और वो बच्चा कहाँ गया? तभी नैन नक्श वाला अनार कहता है, अब क्या मुझे यूं ही पकड़ के रखोगे? मैं एक जादुई अनार पेड़ का अनार हूँ, तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। श्याम जी, लगता है चमत्कार हो गया, वो सुना है ना आपने? पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में फिर राम राम मिल जाएगा, हमारे घर की सारी मुसीबतें खत्म आज। अरे वो तो ठीक है, पर मैं तुमसे कुछ मांगू कैसे? मुझे जमीन पर रखकर बोलो, जादुई अनार कर दे हमारा बेड़ा पार, कोई दे दे मुझे कोई उपहार, ये कहकर जो भी मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। तभी श्याम उस अनार को जमीन पर रखकर कहता है, हे जादुई अनार कर दे हमारा बेड़ा पार, दे दे मुझे रसोई का सारा राशन भंडार। ये कहते ही अनार विशाल रूप में आकर जादू से उसे रसोई का सारा भंडार दे देता है, जिससे पूरा परिवार हैरान हो जाता है और उस अनार को खा लेता है। घर में सारा अनाज होने से पारुल स्वादिष्ट पकवान बनाती है जो पूरा परिवार भरपेट खाता है। अरे वाह, अरे बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। मम्मी आपने बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाया, पर आपने अभी तक मुझे रंग लाकर नहीं दिए। चिंता मत करो, अभी तुम्हारे लिए रंग लेकर आती हूँ और जूते भी। ऐसा कहकर पारुल आंगन में लगे जादुई पेड़ के अनार को तोड़कर जमीन पर रखती है, जिससे वो विशाल रूप में आ जाता है और वो कहती है, जादुई अनार कर दे हमारा बेड़ा पार, दे दे मुझे बेटी के लिए जूते और रंग बिरंगे गुलाल। पारुल के ये कहते ही जादुई अनार का पेड़ उसे रंग बिरंगी गुलाल और जूते देता है, जिससे उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है और रंगोली का कॉम्पिटिशन बनाकर जीत जाती है। उसके बाद मोहनलाल भी जादुई अनार के पेड़ से अपने लिए दवाई और तंदुरुस्ती वाली चीजें मांगता है, जिसे जादुई पेड़ उसे हर तरह के फल, मालिश का तेल और दवाई देता है, जिसे खाकर और मालिश करने के बाद मोहनलाल एक्सरसाइज करके कहता है, देख बेटा अंशिका, बेटा तेरे दादाजी तो तंदुरुस्त हो गए, देख अब तो मैं बैट बल्ला भी खेल सकता हूँ। मेरे दादाजी तो बहुत अच्छे हैं। एक दिन बारिश से घर में पानी टपकता है, जिससे श्याम अगले दिन जादुई अनार पेड़ से अनार तोड़कर कहता है, हे जादुई अनार पेड़, हमारा घर भी नया कर दो, जिससे हम अच्छे से रह पाए, और मेरा नया व्यवसाय शुरू करवाने के लिए कुछ पैसे दे दो, साथ ही मेरी पत्नी के लिए कुछ आभूषण और कुछ नई साड़ियाँ। ये सुनते ही जादुई अनार पेड़ उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता है, जिसके बाद वो सब खुशी से ठाट बाट से रहते हैं। साथ ही श्याम अपने जादुई पेड़ के अनार से गरीब लोगों की मदद करके उनका मसीहा बनता है।